अभी तो इतने दुखों से निकल करके सुख के दिन आए हैं, अब तुम फिर दुख मांग रही हो। तो उसने कहा कि जितने दिन दुख रहे उतने दिन आप हमारे साथ रहे, अब ये सुख हैं तो आप छोड़ के चले जा रहे हैं। तो जब दुनिया का वैभव होता है तो वहां तो भूल जाता है इंसान, तो याद कहाँ आती है? कहते हैं सब तुलसी संगत साधकी तो साहि भाव गया। जब जीव सदपुरुषों के चरणों में आता है, जब सत्संग में आता है, तो उसे किसकी याद आती है? तो उस मालिक की याद आती है। तो लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद, बाकी का जो समय तो वो तो यूं ही चला जाएगा। दुनिया में जितना भी समय गया वो कोई लेखे में नहीं आएगा। जो एक एक पल आपका महापुरुषों की सत्संगत में, सदगुरु की याद में, सदगुरु के पूजन में, सदगुरु के आराधन में, सदगुरु के सिमरण में व्यतीत होता है, वो मालिक की दरगाह में, श्री परमहंस दयाल जी की दरगाह में लेखा जाता जाता है। तो ऐसे ऊंचे और सच्चे दरबार के हम सेवक हैं। श्री परमहंस दयाल जी ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि सेवा यहाँ करो और उसका फल जो है वहाँ ऊपर दरगाह में मिलता है। भजन यहाँ करो, दरगाह में लिखा जाता है। तो आप जो पल भी यहाँ गुजारते हैं, जो पल भी सेवा में व्यतीत करते हैं, किसी जगह में भी करते हैं, दुनिया के किसी कोने में भी बैठ करके अपने सदगुरु की याद करते हैं, तो श्री परमहंस दयाल जी के खाते में वो जुड़ता जाता है आपका। तो इसलिए बड़ा ऊंचा सौभाग्य है, इसी महापुरुषों ने वचन फरमाए हैं कि दुनिया में रहो, दुनिया के काम करो, लेकिन भक्ति के नियमों की पालना करते रहो। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित करे निश्चय हो कल्याण। तो जो सेवक जो है सच्ची श्रद्धा से भक्ति के नियमों की पालना करते हैं, उनका जो है लोक भी सुखी होता है, परलोक भी सुखी होता है, यहाँ भी आशीर्वाद बरसता है, और वहां रहते हैं तो वहां से ही श्री परमहंस दयाल जी का आशीर्वाद बरसता है।